गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, हेल्दी एंड सेफ। सो टुडे आई विल टीच यू ऑब्जेक्ट फील लाइटर ऑन द मून। जो चीज़ें होती हैं वो मून पर आपको लाइट दिखती हैं, ठीक है, हल्की दिखती हैं। लाइक द अर्थ द मून ऑल्सो हैव ग्रेविटी। उसके अंदर भी ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी कि खींचने की क्षमता होती है। ग्रेविटी किसे कहते हैं? जैसे आप कोई पेंसिल, कोई इरेजर, कोई भी चीज़ आप ऊपर की तरफ उछालोगे तो वो नीचे की तरफ आएगी, जिसका मतलब है कि उसके अंदर कोई मैग्नेटिक पावर है अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज़ नीचे की तरफ गिरती है। वैसे ही मून के अंदर भी ग्रेविटी है, जिसकी वजह से अगर वहाँ भी उछाला जाएगा, वहाँ भी अगर मतलब नीचे खींचने की उसके अंदर ताकत होती है, ठीक है, अपनी तरफ खींचने की ताकत होती है। एस्ट्रोनॉट्स कैन वॉक इजीली ऑन द मून कैरिंग देयर इक्विपमेंट। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो आराम से चल सकते हैं अपने इक्विपमेंट लेकर वहाँ पर, ठीक है, चाँद के ऊपर। ये ग्रेविटी की वजह से ही होता है कि मून पर ग्रेविटी है 6 times लेस दैन ऑन द अर्थ। वहाँ की जो ग्रेविटी है वो 6 times कम है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी से 6 times कम है, इसीलिए वो भारे भारे इक्विपमेंट लेकर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो वहाँ पर आसानी से चल सकते हैं, ठीक है, भारी सामान लेकर आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका वेट कम हो जाता है सारी चीज़ों का और आसानी से चला जा सकता है। वहाँ की जो ग्रेविटी है मून की तो वो 6 times अर्थ से कम है। ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट दैट पुल्स अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। ग्रेविटी एक ऐसे फोर्स को कहते हैं, एक ऐसे बल को कहते हैं, एक ऐसी ताकत को कहते हैं कि जो छोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, बड़ी चीज़ छोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, यही ग्रेविटी होती है, ठीक है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। द ग्रेविटी फोर्स ऑफ द मून इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी फोर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ 45 kg पर्सन वुड वेट ओनली 7.5 kg ऑन द मून। जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की वजह से ही हमारा वेट ज़्यादा या कम लगता है, ठीक है, तो हमारा वेट यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा दिखता है, और मून पर ग्रेविटी कम है तो वहाँ पर वेट कम दिखता है। अगर कोई 45 kg का पर्सन होगा तो वहाँ पर उसका वेट 7.5 kg ही दिखेगा, ठीक है। सिंस द मून इज़ लाइटर दैन द अर्थ, इसीलिए क्या है, मून जो है वो हल्का है अर्थ से, देयर ग्रेविटी एट द मून सर्फेस इज लेस, क्योंकि मून सर्फेस की ग्रेविटी कम है। लेट्स सी अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून। देयर हैव बीन मैनी मिशन टू द मून। ऑन July 20, 1969 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने सबसे पहले कदम रखे थे मून के ऊपर। वो जो थे वो पार्ट थे अपोलो 11 स्पेस मिशन का, ठीक है, फिर जिससे होता है वो एडविन एल्ड्रिन और मिशेल कॉलिंस ने, इनके सुपरविजन में हुआ था इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के, ठीक है, साथ में इन्होंने किया था ये वाला मिशन अपोलो 11 स्पेस, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला कदम चांद पर रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट वर्ड ऑन द मून वर, उन्होंने जो सबसे पहला वर्ड मून पर कहा था वो ये था, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जियंट लीप फॉर मैनकाइंड। ही वॉज ज्वाइंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून बाई एडविन एल्ड्रिन। उन्हें ज्वाइन किया था किसने, एडविन एल्ड्रिन को उन्होंने ज्वाइन किया था। द रिसर्च दैट दे कैरीड आउट ऑन द मून हेल्प्ड अस टू नो मोर अबाउट आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। उनकी रिसर्च से मून के बारे में पता चला था, उन्होंने जाना था कि उसके सबसे नियरेस्ट नेबर कौन है, सबसे स्पेस पे सबसे पास वाले पड़ोसी कौन हैं, ठीक। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ द मून। आपने बहुत सारी फेजेस देखी होंगी, कभी चांद देखते होंगे कि एकदम गोल हो जाता है, कभी आधा हो जाता है, कभी हाफ हो जाता है, कभी हाफ से बड़ा हो जाता है, कभी हाफ से छोटा हो जाता है, और कभी दिखता ही नहीं है। दीज आर द फेजेस ऑफ मून। द मून वॉज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। अपनी उसकी कोई लाइट नहीं होती है, वो सन रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। जैसे हमारा शीशा अगर सनलाइट के सामने रख दिया जाए तो चमकने लगता है, वैसे ही मून है, मून के भी जो है वो सन के सामने होता है,
तो इसी वजह से वो चमकता है, लाइट उसमें से आती है। द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मेन मून आर ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द मून एज इट मूव्स अराउंड द अर्थ। द अपेरेंट चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। जिस साइड पर अगर पूरे मून पर पड़ रही है सनलाइट तो फिर वो पूरा मून चमकेगा। अगर वो जो चक्कर लगा रहा है वो पूरे मंथ में इधर उधर घुमा करता है, चक्कर लगाया करता है, जितने पार्ट पर मून के जितने पार्ट पर सन की लाइट पड़ती है और जितना रिफ्लेक्शन निकलता है उतना ही हमें दिखता है, और उसी से फेजेस ऑफ मून पूरे मंथ में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।